हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूटी 2022 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और स्टूडेंट्स रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग कैसे करनी होगी और एडमिशन कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NTA टू अनाउंस CUET UG 2022 रिजल्ट बाई सेप्टेम्बर 15 UGC चेयरमैन जगदेश कुमार। यहाँ पर आपको मैं ऑफिशियल ट्वीट भी दिखा सकता हूँ जो जगदेश कुमार की तरफ से किया गया UGC के जो चेयरमैन है। NTA इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द CUET UG रिजल्ट बाई 15 सितंबर और इफ पॉसिबल इवन ए कपल ऑफ डेज अर्लियर, यानी कि 15 सितंबर को हो सकता है आए और अगर 15 सितंबर को नहीं आए तो हो सकता है एक दो दिन पहले भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ पॉसिबल इवन ए कपल ऑफ डेज अर्लियर, यानी कि ये श्योर हो गया है कि 15 सितंबर को जो CUET 2022 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज मे कीप दियर वेब पोर्टल्स रेडी टू स्टार्ट द UG एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन CUET UG स्कोर, यानी कि स्टूडेंट्स आपको काउंसलिंग कैसे करनी होगी, काउंसलिंग आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर के करनी होगी और सारे यूनिवर्सिटीज़ को अपना वेब पोर्टल ओपन करने के लिए कहा गया है। 15 सितंबर से पहले उनका वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा या 15 सितंबर के आसपास, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना डेट देंगी काउंसलिंग का कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अप्लीकेशन नंबर होगा CUET का, वो सब वहाँ पर आप इंटर करेंगे और उसके बाद उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि स्टूडेंट्स CUET जो है ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग नहीं करवाएगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना इंडिविजुअल काउंसलिंग कराएंगी और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आपने अपने फॉर्म में फिलअप किया था उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाकर के आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब सारी यूनिवर्सिटीज़ का वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा, स्पेशली हम बात करेंगे बीटेक के लिए। बीटेक में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने बताया था कि स्टूडेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट के बारे में बात करेंगे कि उनका काउंसलिंग कैसे अटेंड करना होगा। और स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कट ऑफ किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी बीटेक के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।